हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ आईसीएसई चैप्टर वन इंटीजर्स, जिसमें हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज वन ए। ओके, क्लास सेवेंथ का एक्सरसाइज वन ए चैप्टर वन का। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं साइन का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और डिविजन। ओके, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सॉल्व करने के बाद हमें कौन सा साइन लगाना है, रिजल्ट के पास कौन सा साइन नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीजर्स का। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले एडिशन के, अगर हम साइन के, अगर हम एडिशन की बात करें, तो यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो कि यहां पर दोनों वैल्यू अगर हमारा प्लस में होगा, ओके, अगर यहां पर दोनों वैल्यू अगर हमारा प्लस में होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो किसमें होगा, ये पहले सबसे पहले तो एड होगा और क्या होगा, रिजल्ट जो हमारा आएगा वो प्लस में होगा। यानी कि जब भी हमारे दो सेम साइन होते हैं, जब हमारा सेम साइन होता है तो वो ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। तो यहां पे देखो आप सेम साइन है, हम इसको ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट भी अब होगा क्या, ये ऐड होगा और जो रिजल्ट आएगा वो किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। ओके, अगर एक नंबर प्लस में है दूसरा नंबर क्या है माइनस में है, तो ये होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी कि यहां पे जो हमारा रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, यहां पे कौन सा साइन हम लगाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसके पास जो साइन होगा वो साइन हम हमेशा लगाएंगे। लेट सपोज अगर इसका एक हम एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक वैल्यू है फोर माइनस नाइन। यानी कि आप यहां पर देखो कि एक वैल्यू क्या है प्लस है, दूसरी वैल्यू क्या है माइनस के साथ है, तो क्या होगा ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 5 हमारा क्या है रिजल्ट है। लेकिन अब बात आती है कि यहां पे हम साइन कौन सा रहेगा, प्लस का साइन रहेगा या फिर माइनस का रहेगा, तो हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू इसमें बड़ी है। तो यानी कि यहां पर देख पा रहे 9 बड़ी है और 9 किसके साथ है, माइनस साइन के साथ है, तो यहां पर जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इन दोनों के लिए अप्लाई होगा, इन दोनों के लिए अप्लाई होगा सेम कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, अगर वैल्यू हमारा दोनों ही वैल्यू अगर नेगेटिव में है, दोनों ही वैल्यू क्या है नेगेटिव में है, तो क्या होगा ऐड होगा। अभी मैंने बताया कि दो सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो यहां भी सेम साइन था ऐड हो रहा था, लेकिन दोनों पॉजिटिव वैल्यू थे इसलिए रिजल्ट किसमें आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। यहां पे दोनों सेम साइन है तो ये भी क्या होगा ऐड होगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट के बगल में क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगा। लेट सपोज अगर इसका एक हम एग्जांपल देखें, तो अगर हम माइनस फाइव माइनस टू, तो यहां पे देखो आप इस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से ब्रैकेट में लिखा होगा -5 + -2, तो ये क्या हो जाएगा -5 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2। तो यहां पे देखो ये दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होकर 7। अब जो रिजल्ट हमारा आया, यानी कि जो रिजल्ट आया उसके सामने क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे साइन का एडिशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन। तो अगर दोनों वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव में है मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव में है एक वैल्यू नेगेटिव में है, उसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आएगा। सेम अगर एक वैल्यू नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो भी रिजल्ट हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर हमारे दोनों ही वैल्यू अगर नेगेटिव में है और इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम डिवीजन का देखते हैं, तो अगर एक वैल्यू प्लस है, यानी कि अगर हमारा न्यूमरेटर यहां पे प्लस है, डिनोमिनेटर अगर माइनस में है, तो रिजल्ट हमारा किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अगर यहां पे न्यूमरेटर माइनस में है डिनोमिनेटर प्लस में है, तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, अगर यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही प्लस में है, तो रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा। और यहां पे लास्ट पॉइंट जो है कि अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव में होंगे, तो भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, प्लस में आएगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज वन ए की तरफ। तो स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो दे रखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स
of numbers in the set builder and tabular form and represent them on number line. Okay, यानी कि जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा वो सेट चैप्टर का है. तो यहां पे जो सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म ये क्या है, ये तो टॉपिक हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर. ओके, फिलहाल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं. टॉपिक हम सेट बिल्डर एंड टेबुलर फॉर्म डिस्कस करेंगे जब हम सेट चैप्टर पढ़ेंगे तब. ओके, तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है इंटीजर्स greater than minus 4 and less than 1. Integers greater than minus 4 and less than 1. तो अगर इसको हम नंबर लाइन पे यहां पे ड्रॉ करें थोड़ा सा, अगर इसको हम नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा 0, ये 1, 2, 3, 4 and so on. इधर हमारा minus 1, minus 2, minus 3, माइनस फोर एंड सो ऑन. ओके, तो यहां पे आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटर देन माइनस फोर. तो मैंने पहले पार्ट में मैंने आप लोग को बता रखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा था कि इधर हमारा नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है. नंबर हमारा क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि बढ़ रहा होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर हमारे बढ़ रहे होते हैं. लेकिन अगर हम जीरो से लेफ्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो नंबर हमारा क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है. नंबर हमारा डिक्रीज, यानी कि नंबर हमारे कम हो रहे होते हैं. यहां -5, -6, -7, -8 ये मैंने नंबर क्या हो रहे हैं, छोटे होते जाते हैं. क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं. लेट सपोज की अगर मैं एक एग्जाम्पल में आपको समझाऊं कि यहां पर अगर मैं लिख दू 998 और यहां पे मैं लिख दू -1 और मैं आपसे पूछू कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, तो -1 क्या होगा, ग्रेटर होगा. क्योंकि जैसे जैसे हमारा नंबर इधर आएगा -5, -6, -7, -8, -9 माइनस के साथ, वो नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. ओके, नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. तो यहां पे देखो आप क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ग्रेटर देन माइनस फोर, ग्रेटर देन माइनस फोर. तो ग्रेटर देन माइनस फोर मीन्स क्या, इक्वल नहीं दे रखा, सिर्फ ग्रेटर देन. तो ग्रेटर देन में क्या क्या आ जाएगा, हमारा 3 हमारा आ जाएगा जो 4 से ग्रेटर है. माइनस 3 क्या है, माइनस 4 से बड़ा है. माइनस 2, माइनस 1 एंड 0. एंड यहां पे दे रखा है एंड लेस देन 1. लेस देन 1 मीन्स क्या, इक्वल देन 1, इक्वल टू 1 नहीं दे रखा. अगर इक्वल टू 1 होता तो 1 को भी हम इंक्लूड करते, लेकिन लेस देन 1 मीन्स क्या, अप टू 0 तक. यानी कि ग्रेटर देन माइनस 4, तो ग्रेटर देन माइनस 4 क्या क्या हो जाएगा, माइनस 4 से कौन कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, -3, -2, -1. ओके, एंड लेस देन 1, तो लेस देन 1 मीन्स क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, जो क्या है, 1 से छोटा है. ओके, तो अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर इसको हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लेट सपोज कि अगर हम ए से इसको अगर हम डिनोट करें, अगर इसको हम ए से डिनोट करें तो हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा आपके एग्जाम में, एक्स, लेट सपोज एक्स हमारे क्या है, इंटीजर है. एक्स हमारे क्या है, इंटीजर है. तो एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या, कि जो भी हमारी इंटीजर वैल्यू क्या है, वो एक्स है, उसको हमने एक्स मान रखा है. ओके, देन कॉमा, देन हमें लिखना है यहां पे ग्रेटर देन 4, यानी कि -4 ग्रेटर देन एक्स. एक्स की वैल्यू क्या होगी, -4 से बड़ी होगी. एंड लेस देन 1, लेस देन 1. ओके, तो यहां पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है, -4 से बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी है. ओके, तो अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में और लिखें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस तरीके से लिखना है. टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखें, अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, या फिर अगर हम इंटीजर को अगर हम x मान रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -4 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है, -3, -2, -1, -3, -2, -1, देन 0, क्योंकि लेस देन 1 0 ही है. तो ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म में. ओके, रिप्रेजेंट जो नंबर लाइन पे हमें करना है, रिप्रेजेंट नंबर लाइन में हम इस तरीके से करेंगे, ये वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे, ये हमारा हो गया 0,
ये 1, 2, 3, 4 और इधर हमारा -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलता चला जाएगा एंड सो ऑन। ओके, तो जो जो वैल्यू मिल रही है, जैसे -3 मिल गया, -2, -1 और 0, तो इन पे हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा डॉटेड बना देंगे, यानी कि -3 थोड़ा सा डॉट कर देंगे, -2, -1 एंड 0। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ओके, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा, उसमें फिल करना कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, या फिर कौन सी वैल्यू इक्वल है। तो जो अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो दे रखा है -3 एंड 1, तो अगर हम कंपेयर करें -3 और 1 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। आप देखो कि 0 से जो वैल्यू राइट को जा रही है वो हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज यानी कि बड़ी होती जा रही है, और 0 से लेफ्ट यानी कि डिक्रीज यानी कि वैल्यू छोटी होती जाती है। ओके, तो यहां पे आप देखो कि अगर 0 से हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो -3 यानी कि वैल्यू हमारी छोटी हो रही है, 0 से राइट यानी कि वैल्यू हमारी बड़ी हो रही है, तो 1 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, -3 हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, तो साइन हमारा क्या लग जाएगा, ये। सेकंड वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहां पे दोनों ही वैल्यू हमारी नेगेटिव में दे रखी है, -8 एंड -4, और इसमें हमें कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जैसे जैसे वैल्यू हमारी इधर होती जाएगी वो वैल्यू हमारी छोटी होती जाएगी, यानी कि -5, -6, -7, -8, -9 ये वैल्यू सब क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। तो यानी कि -8 हमारा क्या है, छोटा है, -4 हमारा क्या है, बड़ा है। तो ये हो गया ग्रेटर, यानी कि -4 क्या होगा, ग्रेटर होगा। थर्ड क्वेश्चन, नंबर पॉजिटिव में है तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बता रखा है कि जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर होते हैं नेगेटिव इंटीजर से। मैंने ऑलरेडी मैंने बता रखा है, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर होते हैं नेगेटिव इंटीजर और 0 से। ओके, अब यहां पे अगर हम कंपेयर करें -12 एंड -18, तो जैसे जैसे वैल्यू हमारी बढ़ इधर आएगी वैसे से वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो -18 हमारा क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि -12 क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे आप देखो एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखा है, यहां पे हमारा 5 है, यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। तो मैंने पहले ही पार्ट में मैंने बता रखा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमें रिटर्न करता है विदाउट साइन, ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू विदाउट साइन। ओके, तो अगर हम 5 की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या होगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 हो गया और ये 5, तो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, इससे यहां पे क्या साइन लग जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा। सेम यहां पे अगर आप देखो 6 क्वेश्चन, तो यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 17, तो -15 क्या हो जाएगा, ये हमारा रिटर्न हो जाएगा 15 और ये हमें रिटर्न होगा 17। तो 15 और 17 दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें बड़ा कौन सा है, 17 बड़ा है, तो साइन हमारा क्या लग जाएगा, ये। नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखोगे, नेक्स्ट वैल्यू आपकी ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी आपकी एक वैल्यू है ना, तो यहां पे अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -17, तो ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू विदाउट साइन, तो ये हमारा 17 हो जाएगा, माइनस ये एज इट इज रहेगा, 15 का एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही होगा। ओके, और इसको अगर थोड़ा देखें तो ये पूरी वैल्यू ना हमारी, ये पूरी वैल्यू ही हमारी एब्सोल्यूट के अंदर है, तो इस पूरी वैल्यू का ये एब्सोल्यूट कैलकुलेट करेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन एब्सोल्यूट सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर हम इतने पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, -17 प्लस 15 प्लस 15। ओके, तो ये आ जाएगा क्या, -17 प्लस 15, यानी कि दोनों डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा।
जब दो साइन, जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट उनके बाद साइन मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। टू साइन के लिए मैंने बता रखा है कि हम देखेंगे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 17 है, इसके पास माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 2। ओके, तो यहां पे हमें मिल गया क्या, माइनस का 2। तो यहां पे 17 माइनस 15 2 हो जाएगा, 17 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन कौन सा लगेगा तो देखेंगे बड़ी वैल्यू क्या है, 17 इसके पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो ये प्लस की वैल्यू होगी। देन अगर हम ये देखें तो ये माइनस 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या साइन लग जाएगा, यहां पे इक्वल साइन लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बेटर ये होगा कि आप अगर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो को आप दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करते रहिएगा। अब मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें कुछ नंबर दे रखा है जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर ओके असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आप खुद से करोगे। सेकेंड पार्ट में ये दे रखा है, पहला नंबर है -172, देन -247, देन 136, 242, -365, -473, -36, 0 एंड 77। तो सपोज करो कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो आप देखो मैंने पहले ही बता रखा है कि माइनस साइन के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। अगर यहां पे हम लिख दें -1 लाख, अगर यहां पे -1 लाख को अगर हम -1 से कंपेयर करें तो -1 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि माइनस साइन के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें माइनस साइन के साथ यानी कि हमें छोटे से बड़ा हमें चलना है, छोटे से बड़ा हमें लिखना है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर वैल्यू में लिखनी है। तो यहां पे आप देखो माइनस साइन के साथ, सबसे पहले माइनस साइन के साथ जो बड़ी वैल्यू है उसको हम देखेंगे। तो यहां पे देखो 172 है माइनस के साथ, फिर माइनस के साथ 247 है, देन 365 है, यानी कि एक वैल्यू ये है, ये है, देन ये एंड ये। तो आप देखो माइनस साइन के साथ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 473। तो 473 इन सभी माइनस में सबसे छोटा होगा। ओके, तो यहां पे हमारा आ जाएगा सबसे पहले -473 असेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं। ओके, देन ये तो हो गया खत्म। अब हमारे पास बचे फोर वैल्यू। अब फोर वैल्यू में देखो कि अगर 172, 247, 365 और 36 को कंपेयर करें तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 365, क्योंकि माइनस साइन से आता तो ये -365। ओके, ये वैल्यू भी क्या हो गया, लिखा गया। हमारे पास बचा थ्री वैल्यू, तो थ्री वैल्यू में कौन सा है, 247, देन 247, देन 172, ये भी खत्म, देन 172, देन उसके बाद आ जाएगा हमारा -36, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो के बाद आप देखो, अब हम जब जीरो से राइट चलते हैं यानी कि पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो हमारी वैल्यू सबसे छोटी कौन सी होगी, फिर 77, देन 136 एंड देन 242। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आता है तो। ओके, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द फॉलोइंग कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है -3 मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, देन -6, -2, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां पे देखो मैंने ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर विदाउट साइन। तो -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ये माइनस साइन एज इट इज यहां पे आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस
वर्टिकल लाइन के अंदर है, यानी कि इस पूरी वैल्यू का एब्सोल्यूट फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 6 - 2 क्या हो जाएगा, एक स्टेप हम और अभी एज इट इज इसको हम लिख दे रहे हैं, एज इट इज अभी हम इसको लिख रहे हैं यहां पे। अब यहां पे 6 - 2 पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 - 2 यानी कि 6 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहां पे बचेगा 4, तो यहां पे -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, ये माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा एंड 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4। तो यहां पे आप देखो कि ये वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक निगेटिव वैल्यू है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वीडियो के कि जब दो हमारे डिफरेंट साइन होते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पे जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा आता है साइन, के साइन यहां पे कौन सा लगाएंगे तो हम देखते हैं कि इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, 4 के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं यहां पे, सेकंड क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है यहां पे -84 + -16। ओके, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 84 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू विदाउट साइन, तो ये हो जाएगा हमारा 84, ये प्लस सिंबल एज इट इज यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, और इसको जब आप ऐड करोगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 1 आ जाएगा कैरी, 8 और 1 9 और 1 कैरी 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 100। ओके, एक क्वेश्चन और हम देख ले रहे हैं, क्वेश्चन हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन तो आसान है, वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, थर्ड लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। ओके, तो यहां पे आप देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12 कितना हो जाएगा 12, ये प्लस सिंबल एज इट इज यहां पे आ जाएगा, 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6, माइनस सिंबल एज इट इज, और ये -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, तो यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखो कि ये अगर हम इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों के पास क्या है, सेम साइन है, इन दोनों के पास क्या है, सेम साइन है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, पहले हम एड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12 और प्लस 6 18। दो सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है वीडियो के स्टार्टिंग में, ये हमारा -3। अब यहां पे दो डिफरेंट साइन, यानी कि इसके पास प्लस साइन है, यहां पे क्या है माइनस साइन है, तो दो डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 18 - 3 ये हमारा हो जाएगा 15। अब आता है बात कि यहां पे हम साइन क्या लगाएंगे रिजल्ट के पास, तो वैल्यू बड़ी कौन सी है 18, और 18 के पास कौन सा साइन है प्लस साइन है, तो हमारा किस में रहेगा प्लस में रहेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हम यहां पे प्लस साइन हम नहीं लगाएंगे। ओके, प्लस साइन हम यहां पे नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं वो आप खुद से करोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि हमें दे रखा है ट्रू एंड फॉल्स का, तो 1 by 1 हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, 5 स्टेटमेंट है, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा है, द लार्जेस्ट इंटीजर इज 9999, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा सबसे लार्जेस्ट इंटीजर होता है वो 9999। ओके, तो आप यहां पे देखो नंबर लाइन मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है, अगर आप ऐसे नंबर आप बढ़ रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 3000, 4000, 5000 up to infinitive, यानी कि काउंटलेस, वी कैन नॉट काउंट, यानी कि हम उसको गिना, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, कुछ भी नंबर 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, crore, सब इंटीजर के पार्ट है, सब इंटीजर के पार्ट है। इन्फिनिटी मतलब क्या, ये इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी मतलब क्या, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पे सिर्फ देखा क्या 9999 इज लार्जेस्ट, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0,
तो यहाँ पे ये जीरो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर, लेकिन नहीं, अगर आप जीरो से स्मॉलेस्ट देखोगे तो माइनस वन, माइनस वन से स्मॉलेस्ट माइनस टू, माइनस टू से स्मॉलेस्ट माइनस थ्री से स्मॉलेस्ट माइनस फोर, तो ऐसे ये बढ़ता रहेगा अप टू कहां तक, इन्फिनिटी। इसको भी अगेन हम काउंट नहीं कर सकते कि कौन सी वैल्यू हमारी सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट हमें दे रखा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ग्रेटर देन द इंटीजर, यानी कि कोई इंटीजर, लेट सपोज कि अगर हम यहां पे कोई इंटीजर ले लेते हैं 20, कोई इंटीजर हम ले लेते हैं 20, और ये बोल रहा है कि जो 20 का, यानी कि किसी एक इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, क्योंकि 20 क्या हो जाएगा, 20 वैल्यू आएगा और ये 20 क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटीजर के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, और यहां पे क्या दे रखा है, ग्रेटर दे रखा है, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट हमें दे रखा है द सक्सेसर ऑफ 125 इज 124, यानी कि बोल रहा है कि 125 का जो सक्सेसर होगा वो कितना होगा, 124 होगा। तो आपको मैंने बता रखा था कि जो भी सक्सेसर होता है, यानी कि गिवन नंबर, यानी कि एन अगर कोई नंबर है तो सक्सेसर अगर आपसे पूछा तो उसमें क्या करते हैं, प्लस वन हम ऐड करते हैं। तो अगर यहां पे 125 का सक्सेसर पूछ रहा है तो 125 प्लस वन करेंगे, दैट इज 126। तो सक्सेसर ऑफ 125 इज 126, यहां पे कितना दे रखा है, 124 दे रखा है, दैट इज ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, लास्ट स्टेटमेंट है द प्रेडिसेसर ऑफ -123 इज -124। तो प्रेडिसेसर में क्या करते हैं, यानी कि इसमें अगर हमें कोई नंबर दे रखा है तो उसमें माइनस वन करते हैं, जो भी हमें नंबर गिवन है उसमें क्या करते हैं, माइनस वन करते हैं प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए। तो हमें नंबर कितना गिवन है, -123 गिवन है, नंबर हमारा कितना है, -123 है, एंड हमें क्या करना है, माइनस वन करना है। तो अभी मैंने बताया कि दो सेम साइन क्या होते हैं, ऑलवेज एड होते हैं, दो सेम साइन क्या होते हैं, ऑलवेज एड होते हैं। तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये दोनों ऐड होंगे तो 124 हो जाएगा। और मैंने बता रखा था कि जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा, ये पार्ट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता रखा था। तो प्रेडिसेसर ऑफ वन -123 इज -124, दैट इज ये हमारा क्या है, ट्रू। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज 1A था। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम इसके आगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।